राज्यों में हार का सामना करने के बाद कांग्रेस पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में कांग्रेस ने हार का सामना किया है, लेकिन तेलंगाना में अपनी सरकार बनाती हुई देखी गई है। ऐसे में रुख किया जाए राजस्थान की सियासत की तरफ, तो राजस्थान में सियासी सरगर्मियां अभी तेज हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं कांग्रेस खेमे में, लेकिन अब देखा गया है कि राजस्थान में चुनाव हार जाने के बाद कांग्रेस ने आज विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस विधायक दल की बैठक की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो ये है कि सचिन पायलट के समर्थकों ने अब सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर भी जीत हासिल नहीं कर पाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 115 सीटों पर प्रचंड जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। ऐसे में विधायक दल की बैठक जो शुरू हुई है, इस बैठक में अशोक गहलोत, सचिन पायलट के साथ कई विधायक मौजूद हैं। वहीं पायलट समर्थकों ने हार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मालूम हो कि एक वक्त बगावती तेवर देखने को मिले थे सचिन पायलट के, लेकिन अब देखा जाए तो पायलट के समर्थक यहां पर मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। सियासी जानकारों की माने तो अब इस विधायक दल की बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। सचिन पायलट को कोई अहम जिम्मेदारी अब सौंपी जा सकती है। मालूम हो कि टोंक से वह चुनाव जीत चुके हैं और एक बार फिर से वह टोंक से विधायक के तौर पर ही जाने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिरकार पायलट के समर्थक जिस तरीके से मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, आखिरकार पार्टी हाईकमान इस पर क्या कुछ अहम फैसला लेते हैं। मालूम हो कि 200 में से 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए और यहां पर 69 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई कांग्रेस, लेकिन 115 पर बाजी मारी भारतीय जनता पार्टी ने। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।